हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या चार के जो है कि सी नंबर, जिसमें आपको क्रिम्पिंग टूल के बारे में पूछा गया था। फ्री हैंड स्केचिंग करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम क्रिम्पिंग टूल का जो इमेज होगा, फ्री हैंड स्केच होगा, वो कैसा होगा। उसके बाद देख लेंगे कि जो हमारा क्रिम्पिंग टूल होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, और क्रिम्पिंग टूल का यूज जो इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है वो कितने साइज का होता है, ठीक है। और साथ ही उसके हम इसमें बताएंगे आपको कि क्रिम्पिंग टूल के पार्ट्स जो होता है वो कौन कौन से होता है, पार्ट्स नेम उसको देखेंगे। तो चलिए हम क्रिम्पिंग टूल का इमेज यहाँ पे बनाते हैं। एक सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन लेकर दोनों साइड में आप दो पार्ट डिवाइड कर लेंगे। इक्वल दूरी रहेगा आपके दोनों साइड में, जो आपको हैंडल होगा वो दोनों बराबर हो, बीच में आपका जो उसका जाव हो वो भी बराबर हो। तो इस प्रकार से आप एक हल्की सी लाइन इसमें ड्रॉ कर लेंगे जो कि सेंटर लाइन में होगा इस तरह से, और ये बाद में आपको इरेज कर लेना होगा। 10-10 लाइनों से लेंगे, है ना। तो आप उसको देखिए ध्यान से, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको हल्की हल्की लाइनों से इस तरह से 10-10 लेंगे, और इसका जो है कि फिंगर्स में आपको अच्छी तरीके से पकड़ बना पाए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और बराबर इसको दूरी लेंगे इस तरह से, ठीक है। और बाहर वाले को इस तरह से आपको स्ट्रेट रखना होगा। इसके बाद यहाँ पीछे वाले साइड में आप थोड़ा सा इसको राउंड कर लेंगे इस प्रकार से, दोनों में राउंड करके दिखा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों बराबर लगभग होना चाहिए, दूरी भी इसका जो हैंडल का है वो भी बराबर होनी चाहिए, इनके दोनों के बीच की दूरी भी हुई बराबर। ठीक है, मॉडल आपके अलग अलग आते हैं तो उसमें आप कोई भी मॉडल एक बना देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं जिसमें आपको कर्व दिखाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर्व वाले दिखा देंगे और इसको डबल कर देंगे, इस प्रकार से डबल कर देंगे। दोनों के जाव जो होता है उसमें आपको बढ़िया से ग्रिप करें तो उसको दिखा देंगे, और थोड़ा सा ई वाला भाग जो होगा वर्टिकल में करके दोनों तरफ इस तरह से ले लेंगे, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ आप मोड़ेंगे इस तरह से, और ये दोनों एंगल बराबर रखते हुए चलेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये पीछे की तरफ थोड़ा सा सीधा कर लेंगे इस तरह से, कि बीच में ये थोड़ा सा राउंड होगा इस प्रकार से, तो एक डॉट यहाँ बनेगा इस तरह से सर्कल बनाएंगे, और दूसरा यहाँ भी सर्कल बनाएंगे इसको बराबर दूरी रखते हुए, और इसके बाद इसको राउंड इस तरह से कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद के जो होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉकिंग वगैरह इसमें हैंडल में दिया रहता है तो वो भी देख लेंगे। हैंडल के लिए लॉकिंग हम बना ले पहले ही इसको, ये अच्छा से दिखे आपको, और यहाँ पे राउंड होगा और थोड़ा सा यहाँ पे पतला सा शेप निकला रहेगा जो इसको फोर्स करेगा कि एडजस्टेबल आपको चाहिए जितना आपको करना है उसको करके लॉक भी कर देंगे और वहाँ से उसको फोर्स कर देंगे तो ये होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे करके इसको देख इसमें पास कर देंगे, और यहाँ से थोड़ा निकलेगा वो थोड़ा सा फैलता हुआ जाएगा इस तरह से, तो इसको भी दिखा देंगे इस तरह से। तो इसको चलिए फाइनली हम दिखाते चलते हैं, और यहाँ से आएगा तो थोड़ा सा ये आपको राउंड होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ नीचे भी ये राउंड होगा इस तरह से, और ये आपको जॉइंट करेगा, और इसके अंदर आपको पिन जैसा दिखाया रहेगा, राउंड दिखेगा, और इस राउंड को फिर दोबारा से ऐसे राउंड किया रहेगा, और ये आपको घूमकर इधर आकर इसमें मिल जाएगा, और इधर से ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको पीछे मुड़ेगा, ये आपस में टच कर जाएगा, तो यहाँ तक होगा। और इसके थोड़ा सा और पीछे हटेंगे तो यहाँ आपको दिखाएंगे थोड़ा सा ये आपको ऐसे चल के ऐसे आएगा, ऐसे फिर ऐसे होकर ऐसे जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको मोड़ने के बाद इसे थोड़ा सा यहाँ राउंड करेंगे और इसको पीछे लेकर चलेंगे, और यहाँ भी इन दोनों के साथ यहाँ कर देंगे, और यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे यहाँ पर, और पीछे इसको ले चल के इसे हैंडल से मिला लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, और पीछे इसको भी ले चल के हम हैंडल से क्या करेंगे यहाँ पर इसको मिला लेंगे, और ये वाला भाग होगा तो इसे भी थोड़ा पीछे ला कर इसे हैंडल से मिला लेंगे, ठीक है। अब यहीं से आप पीछे इसको हैंडल में जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक राउंड और दे देंगे यहाँ पे सब में, क्योंकि आपके ये रिबिट लगा होता है तो रिबिट आपको सिंगल में नहीं हो पाएगा कम्प्लीट, तो इस तरह से हम इसको डबल राउंड कर देते हैं जहाँ भी होगा ये रिबिट लगा होगा, ठीक है। तो अब देख लेंगे इस तरह से। अब इसके जस्ट बाद आपको हैंडल जो था, हैंडल को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ जो कि आप देख लेंगे, ठीक है। सभी मैंने हिडन लाइन से बनाया था, और इसको फाइनली आप क्या कर रहे हैं राउंड कर देंगे इस प्रकार से। तो यही आपका टोटल और टोटल क्रिपिंग टूल है, और इसमें आपके इंसुलेशन लगा रहेगा तो इसलिए इंसुलेशन का भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से आप देखेंगे तो इंसुलेशन लगा रहता है ना,
और इसमें भी इंसुलेशन लगा रहेगा, तो ये आप देख लेंगे इंसुलेशन का एक लेयर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका इंसुलेशन होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंसुलेशन जब होगा तो अंदर का जो मेटल होता है इसे हमें डैश डैश लाइनों से दिखाना होगा। तो इस तरह से आप इसे डैश डैश कर देंगे। इसके हम पार्ट्स नेम को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं डाई, ठीक है, जिसमें हम पकड़ कर उसको क्रिपिंग करेंगे यानी दाबेंगे, उसको फिक्स करेंगे, उसको बताते हैं आगे चल के। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं उसे बोलते हैं हैंडल। तो बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं रिजेट, तो RATCHET रिजेट। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इंसुलेशन, जो ऊपर से लगाया गया होता है। और इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको इंसुलेटेड होना चाहिए, जो किसका बना होता है, तो PVC हम लिख देते हैं PVC, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का आपका एक कवर चढ़ाया गया होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है। अब इसके यूज वगैरह देख लेंगे, कहाँ पे यूज किया जाता है। और इसके साइज़ की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन जो यूज करता है आपको साइज, वो आपको 20 सेंटीमीटर का यूज करता है। देखेंगे यूज में, तो हम लोग जो केबल्स होता है, मोटे मोटे आपके केबल होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं एल्युमिनियम के, तो जो भी हम उसमें टर्मिनल बनाते हैं केबल के अंतिम सिरा पे, जो इस्तेमाल मेरे पास मार्कर है और मार्कर के इस पे हम टर्मिनल पे टर्मिनल पॉइंट बनाना चाहें, तो वहाँ पे लॉक्स लगता है। क्या लगता है, एक आप देखेंगे है ना, लॉक्स आता है। तो देखिए ये साइज़ हमने बता दिया 20 सेंटीमीटर होता है, लॉक्स होता है, जिसको आप देखेंगे कितने टाइप के होता है, तो हम यहाँ टाइप भी इसके बता देने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका फ्लैंज स्पेंड होता है, जो कि आगे तरफ मुड़ा होता है, रिंग लॉक्स होता है, और तीसरा आपका रेक्टेंगुलर जो होता है वो लॉक्स होता है, और चौथा जो होता है स्पेंड होता है। तो इसमें मेरे पास जो अवेलेबल है वो आपको रिंग लॉक्स अवेलेबल है, जो मेरे हाथ में है, आपको हम पास से दिखा देते हैं, आप देख लेंगे उसे। अब देख पा रहे हैं ये आपको राउंड है, इसलिए इसका रिंग का नाम दिया है। बीच में रिंग जो होता है गोल होता है, और ये ऊपर वाला भाग है इसमें। अब क्या करते हैं कि इसको इसमें ऐसे पकड़ के और क्रिपिंग टूल से इसे दाब देते हैं इस तरह से, हाँ, जैसे मेरे फिंगर्स दब रहा है, इस तरह से दाब कर इसे लॉक कर देंगे। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर टर्मिनल जो होगा ना, ये टर्मिनल, इसमें आपको पेच जो है नट बोल्ट से आसानी से स्क्रू इसमें कर सकते हैं, और इसमें स्पार्किंग नहीं होगा। तो हम सबसे देखेंगे कि स्पार्किंग से जो बचने के लिए, और जो उसमें जो वायर होता है वो वायर आपको बिखड़े नहीं, एक साथ आपको रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम है लॉक्स। और लॉक्स को हम फिक्स करने के लिए क्रिपिंग टूल्स का यूज करते हैं। तो इसमें देख लिए कि इस वीडियो में आपको क्रिपिंग टूल्स कैसे बनाना था मैंने बता दिया, दूसरा कि इसके पार्ट्स नेम भी मैंने बता दिया, तीसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लॉक्स की बात आई थी, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है वो 20 सेंटीमीटर का यूज़ करता है, और प्लस ये लॉक्स जो होता है वो आपको कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, यहाँ लॉक भी हमने दिखाया और इसके बारे में बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और इसका यूज भी आप देख लिए। तो हम फिर मिलते हैं अगले, जो आपके क्वेश्चन नंबर है डी, जो कि SR 232 है ना, उसके वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।